सो ही गाइस, स्वागत है आपका क्रिएटिव आदमी में। आज हम लोग माइनक्राफ्ट 1.20 में फाइनली एक काउ फार्म बनाना सीखने वाले हैं। एंड गाइस, अगर तुम लोगों को नहीं पता हमारे लिए काउ फार्म की क्या क्या यूज हो सकते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले यूज तो हमारे फूड के काम आ सकता है। देन गाइस दूसरे यूज, इससे हम लोगों को लेदर मिलता है। एंड लेदर से हम लोग बुक बना सकते हैं। लेदर से हम लोग शायद से पेंटिंग भी बना सकते हैं। देन गाइस बुक से हम लोग विलेजर से ट्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होती है। देन गाइस आज का शाउट आउट इन लोगों को जाता है जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन में दिख रहे हैं। अगर तुम लोग भी शाउट आउट चाहते हो तो इस वीडियो में कमेंट करना। जिसका भी कमेंट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा, नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट मिलेगा। बट वीडियो में जाने से पहले जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर देना, एंड जो भी नया जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो यार। एंड गाइस, जो हम लोगों ने 1.20 का सारे फॉर्म बनाने का चैलेंज लिया था, वो वाला हमारा लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। बस अब कुछ थोड़े से फॉर्म बचे, एंड उसके बाद मैं आप लोगों के लिए गेम प्ले की वीडियोस लेकर आऊंगा, जिसमें बहुत सारी क्रेजी क्रेजी वीडियोस होती है। तो तुम लोग मेरे को उसी की वजह से सब्सक्राइब करना, बेसिकली मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बाकी बातें बाद में करेंगे, बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। गाइस यार आ गए हैं हम लोग अपने वर्ल्ड के अंदर, एंड हम लोगों को काउ फार्म बनाने के लिए जो भी सामान लगेगा वो सब आप लोगों को वीडियो में पता चल ही जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो गाइस सबसे पहले आप लोगों को चेस्ट ले लेनी है। देन आप लोगों को जिस साइड आप अपना फार्म बनाना चाहते हो वहां डबल चेस्ट प्लेस करनी है। देन गाइस इस चेस्ट से कनेक्ट करते हुए आप लोगों को चार हॉपर लगा देने हैं, एंड उसके बाद आप लोगों को इसको ब्लॉक से कवर कर लेना है। एंड गाइस आप लोगों को हॉपर के पीछे एक एक ब्लॉक और अप कर लेने हैं, एंड फिर इन ब्लॉक के ऊपर आप लोगों को आगे को फेस करते हुए डिस्पेंसर लगा देने हैं। देन गाइस इन डिस्पेंसर के अंदर आप लोगों को एक एक लावा बकेट डाल देनी है। फिर आप लोगों को चारों तरफ से दो दो ब्लॉक अप आना है, एंड आप लोगों को सामने की साइड को ग्लास ब्लॉक लगा देने हैं। एंड गाइस उसके बाद आप लोगों को इस साइड को यहाँ पर ये वाला ब्लॉक तोड़ना होगा। देन नीचे साइड को आप लोगों को एक ग्लास ब्लॉक और ऐड कर देना है कुछ इस टाइप से। फिर इसके ऊपर आप लोगों को एक रेडस्टोन लैंप लगानी है, एंड फिर आप लोगों को पीछे आने के बाद यहाँ पर से एक ऑब्जर्वर इसकी तरफ को लगा देना होगा। पीछे से लगाओगे तो इसका फेस जो लैंप की साइड हो जाएगा। फिर गाइस आप लोगों को इनके पीछे एक एक ब्लॉक ऐड कर देने हैं। देन आप लोगों को इस साइड को यहाँ पर ग्लास ब्लॉक ऊपर तक लगा देने हैं। फिर आप लोगों को रेडस्टोन डस्ट इनके पीछे लगा देनी है। एंड गाइस उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर से एक एक ब्लॉक अप आना है। देन उसके बाद आप लोगों को साइन बोर्ड ले लेना है। फिर आप लोगों को जो ये डिस्पेंसर के नीचे जो ब्लॉक बच रहे हैं यहाँ पर साइन बोर्ड लगा दोगे, एंड आप लोगों को जो ये रेडस्टोन लैंप है इसके आगे यहाँ पर एक बटन लगा देना। फिर आप लोगों को चैन ले लेनी है। देन गाइस आप लोगों को यहाँ पर चार चैन लगानी है। फिर आप लोगों को एक डिस्पेंसर ले लेना होगा। फिर इस साइड को आप लोगों को एक डिस्पेंसर लगाना है, एंड इस डिस्पेंसर के अंदर एक वाटर बकेट लगाओगे, एंड सिंपली इसको चारों तरफ से ब्लॉक से फिल कर लोगे। एंड उसके बाद आप लोगों को जो डिस्पेंसर वाला है यहाँ पर भी आप लोगों को इस ब्लॉक में एक बटन लगा देना है। एंड या मैंने यहाँ पर सामने की साइड को ग्लास ब्लॉक लगाना भूल गया। आप लोगों को ये सामने की साइड जो मैंने अभी तोड़ी ना, यहाँ पर आप लोगों को ग्लास ब्लॉक लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इस टाइप से ग्लास ब्लॉक लगा दिया, आप लोगों को भी लगा लेना है। फिर आप लोगों को मैं अला बटन दबा के दिखा देता हूँ। हमारा जो ये वाटर है वो यहाँ पर फ्लो होना स्टार्ट हो गया, एंड ये हम लोग वाटर इसलिए यहाँ पर लगा रहे हैं ताकि हम लोग जो काऊ आए हुए हैं उनकी ब्रीडिंग आसानी से करा सके। फिर जब ब्रीडिंग हो जाए आप लोगों को सिंपल ये बटन ऑफ कर देना होगा, तो हमारा जो वाटर है वो भी ऑफ हो जाएगा। फिर गाइस आप लोगों को इनके ऊपर एक एक स्लैब भी लगा देने हैं, एंड गाइस इन स्लैब से कनेक्ट करते हुए आप लोगों को ट्रैप डोर लगा देने हैं। एंड गाइस अब आप लोगों को इसके अंदर यहाँ पर मिनिमम 10 काउ लानी होगी, एंड ज्यादा से ज्यादा आप लोग 15 या 20 ला सकते हो, वो सब आपकी मर्जी होगी। तो मैं यहाँ पर फटाफट से काउ स्पॉन करा देता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर मैक्सिमम 20 या 25 इस टाइप की यहाँ पर काउ स्पॉन करा दी, एंड तुम देख सकते हो किस टाइप की लग रही है। सबसे लोगों इनको ब्रीड करानी होगी। ब्रीड कराने के लिए आप लोगों को यहाँ पर से वीट ले लेनी होगी। देन वीट लेने से पहले आप लोगों को ये वाला जो बटन है इसको ऑन कर देना होगा, एंड जिससे हमारे जो काउ है ये ऊपर आ जाएगी, एंड अब सिंपल इनको आप लोग वीट ब्रीड कराओगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर लगभग सारी काउ को ब्रीड करा दिया है।
एंड तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो जो हमारे काऊ के जो बेबी है वो भी यहाँ पर आ गए हैं एंड बहुत सारे यहाँ पर बड़े भी हो गए हैं, बड़े हुए हैं या बड़े हो गए क्योंकि मैं ब्रीड करा रहा था तो शायद नीचे वालों को भी ब्रीड हो गया है। एंड तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो इनके ऊपर दिल आ रहे हैं, तो इसका मतलब जब मैं उनको ब्रीड करा रहा था तो गलती से इनको भी ब्रीड हो गया है, तो ऐसा कोई वो नहीं है। तो अब सिंपली इसको आप लोग यहाँ पर से बंद कर दोगे जिससे पानी रुक जाएगा एंड ये लोग अपना काम करते रहेंगे। फिर गाइस ये आप लोगों के मेरे तो अभी मैंने गलती से ब्रीड करा दी, उस वजह से बड़े हो गए। आप लोग के बड़े नहीं होंगे, थोड़ी देर आप लोगों को यहाँ पर इनको ब्रीड करा के इधर उधर जाना होगा, दैन थोड़ी देर में ये बड़े हो जाएंगे। एंड इसमें से अभी बहुत सारे बड़े अभी नहीं हुए हैं तो उनके बड़े होने का थोड़ी देर हम लोग यहाँ पर इंतजार करते हैं। तो गाइज हमारी जो सारी काओ है वो यहाँ पर बड़ी हो गई है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब सिंपली हम लोग को वो वाला बटन दबा देना होगा। एंड अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि यार तुम गाय को मार दे रहे ऐसी कैसी, तो गाइज ऐसा नहीं है यार, इनको भी जानवरों से लगाओ ऐसी बात नहीं है। मैं बस इनको ऐसे आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस टाइप से होगा। एंड मैंने इनको पहले से फायर का पोशन दिया एंड चेस्ट में, अभी थोड़ी देर बाद मैं सामान डाल दूंगा कि इस टाइप से आ जाएगा करके। तो हम सिंपली इसको बटन दबाएंगे एंड इनका इफेक्ट इसलिए नहीं दिख रहा ना क्योंकि मैंने वो कुछ मोड लगाया इफेक्ट ना दिखने वाला। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर खाली से दिख रहा है कि जल रहा है बट ये जल नहीं रहे, ये लोग अलाइव है गाइस, मतलब मर ही नहीं सकते। मैंने इनको फायर रेस का पोशन, अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि वो लोग मर गए, नहीं गाइस मैंने उनको पहले एंटरपल दे दी थी, वो लोग कलच करके कप के भाग गए। तुम लोगों को ऐसा लगा कि वो लोग मर गए बट वो लोग नहीं मरे यार, खाली तुम लोग मेरे बारे में गलत सलत सोचते हो। तो अब हम लोग अपनी चेस्ट में चेक करते हैं कि इन्होंने हम लोगों को कितना सामान दिया है। वो गाइस तुम लोग देख सकते हो एक स्टैक पूरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर। एंड यहाँ पर देखो अभी भी और लेदर आ ही जा रहे हैं, तो लेदर अगर हमारे आ रहे थे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लेदर बुक्स बनाने के लिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को फर्स्ट में बताया इंट्रो में, एंड ट्रेड वेड करने के लिए कितने ज़्यादा काम आते हैं। एंड खाने के लिए तो यहाँ पर अनलिमिटेड सप्लाई हो गई है एंड थोड़े जो बेबी हो यहीं पर ही है। तो गाइस तुम लोग मेरे को कमेंट में बताना कि तुम लोगों को ये वाला फार्म कैसा लगा। गाइज यार आज के लिए बस इतना ही, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। एंड गाइज तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में लिंक है, जल्दी से फॉलो कर दो यार। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइज मैं देख रहा हूँ बहुत टाइम से तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हो, सिर्फ 45 फॉलोवर हुए हैं, जानते नहीं हो तुम लोग मेरे को, अगर फॉलो नहीं किया ना तो देख लेना फिर यार, जानते नहीं हो तुम लोग मेरे को अभी। अबे पोछा ना लगाई क्या अभी तक तन्ने? नहीं साहब लगा रहा हूँ, मारो मत यार, मैं तो ऐसी बस बात कर रहा था, मैं लगा रहा हूँ।